दोस्तों, वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है, और वो फिर से आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज देने के लिए आ गई है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो कैसी स्त्री टू मूवी, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, स्त्री टू एक फन राइड है फैंटेसी, कॉमेडी और ह्यूमर का, जिसमें मैं शुरुआत से लेकर एंड तक बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। ये मूवी मेडोक यूनिवर्स की फोर्थ मूवी है और डायरेक्ट सिक्वल है स्त्री पार्ट वन का। इसका फर्स्ट हाफ हमें इस मूवी के मेन विलन सरकटी को प्रॉपर सेटअप करने में चला जाता है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी भर भर के डाली गई है। फिर हमें श्रद्धा के मिस्टीरियस कैरेक्टर की भी थोड़ी हिंट दी जाती है। अब ये सरकटा कौन है और वो सिर्फ औरतों को क्यों उठा रहा है, उसका स्त्री से क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ में एक मिशन चालू होता है सरकटी को मारने का, और मेकर्स ने जिस तरह से भेड़िया के एंगल को इस मूवी में यूज किया है, भाई सो स्मूथ, मजा आ गया। मूवी का बीजम, म्यूजिक सब कुछ कमाल के हैं, और एक्ट्रेस ने क्या गजब की एक्टिंग की है। हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर में कमाल का था। ऐसा बहुत कम बार होता है कि सेकंड पार्ट पहले पार्ट से ज्यादा अच्छा होता है, और स्त्री टू इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमाल की मूवी है। इसमें एक बड़े एक्टर का कैमियो भी है जो स्त्री थ्री का मेन विलन बनेगा। मूवी अपने हर एक डिपार्टमेंट में कमाल की है, चाहे फिर वो डायरेक्शन हो, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, सब कुछ। लेकिन इन सभी में वीएफएक्स का डिपार्टमेंट थोड़ा वीक था, और इतनी कमाल की मूवी में आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। ये मूवी फुल फैमिली एंटरटेनर है, जिसे आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें एक में इस यूनिवर्स की नई मूवी का हिंट दिया है और दूसरे में स्त्री थ्री के मेन विलन का। तो अगर आपने स्त्री टू को देखा है तो आपको ये कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा पंक्ति। अरे काट दिया।